और आप लोग इनको सीख भी रहे हैं इनमें से लेसन लर्न भी कर रहे हैं और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर रहे हैं और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप अभी तक हमारा वो जो कॉन्ट्रैक्ट था हमारा जो वादा था वो आप भूले नहीं है कि आपने इन जो आखिरी जुज है उसको मेमोराइज करने की पूरी कोशिश करनी है रमज़ान के अंदर बस कुछ ही देना बाकी रह गए अल्लाह ताला हम सब से कबूल फरमाए लेकिन बहरहाल अपनी हिम्मत नहीं हारनी इन अल्लाह ताला की इबादत भी करते रहे मुस्तकिल तौर पर और जहां तक हो सके चले अगर आपको यह भी लगता है कि मैं 30 पारा पूरा इस दफा मेमोराइज नहीं हो पाया जहां तक भी हुआ है अलहम्दुलिल्ला, अलहम्दुलिल्ला, बहुत है बहुत अच्छी बात उसको कोशिश करें कि नमाज में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करें ताकि आप उसको भूलें नहीं इन तो सबसे पहले तो जब हम इस सूरा की बात करते हैं सूरा अलबैया की तो ये कैसी सूरा है जिसके बारे में उलमा के बीच में थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जाता है कि ये मक्की है या मदनी है बहरहाल इसमें कुछ आयात जो है जो यहाँ पे किताब का जिक्र हुआ इसके अतबार से बाज़ाल इसको मदनी कहा बाज ने कहा कि अगर ये मक्की है तो फिर ये लेट मक्कन पीरियड की सूरह है वल्लाह आलम बहर इस सूरह के अंदर जो थीम है वो एक तरफ तो इसकी थीम को समझना एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम भी है लेकिन एट द सेम टाइम बड़ी अमेजिंग बात है कि जो मैसेज इस सूरह का है वो बहुत ही सिंपल भी है कि पूरे दिन का आप समझ लें कि जो एक समरी है ना वो समरी भी इस सूरा के अंदर पेश कर दी गई है तो इंशाल्लाह जब उन आयात पाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा तो तीन चीज़ें जो इस सूरा में डिस्कस हुई हैं प्राइमरिली वो एक तो ये है कि जो अहले किताब है उनकी क्या पोजीशन थी विद रिगार्ड्स टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी वो नबी करीम वसल्लम के बारे में क्या तासर रखते थे पहली बात दूसरी बात यह कि जो भी काम आप करते हैं उसके अंदर इखलास का होना खालिश अल्लाह की रज़ा के लिए होना यह कितना जरूरी है और फिर आखिर में बात उनकी की गई जो लोग कामयाब होंगे और उनकी जो कि नाकाम होंगे उन दोनों का भी मुकाबला किया गया आपस में सो सूरह का आगाज करते हैं फरमाते हैं कि यानि ये वो लोग हैं जो जब तक जिन्होंने कुफर किया अहले किताब में से और मुशरकिन में से मुनफक्कीन कहते हैं जब वो जब तक यानी वो अलहदा हो गए किस चीज से जब वो सेपरेट कर गए या वो बाज आ गए बाज नहीं या हत्याना यानी ये जो लोग थे मशरक और अहले किताब जो हैं ये अपने कुफर से अपनी नाफरमानियों से बाज नहीं आए जब तक के अलबैना नहीं आ गया अलबयना क्या है जो कि सूर्य का नाम भी है अलब अलबैना का हम लूस तर्जुमा ये कर सकते हैं कि वाज दलील होना या क्लियर प्रूफ जिसे हम कहते हैं तो कह रहे हैं कि जो ये मशरकिन और अहले किताब थे ये अपनी हरकतों से बाज तब तक नहीं आए अपने कुफर से अपने शर्क से अपनी नाफरमानियों से तब तक बाज नहीं आए जब तक वाज दलील नहीं आ गई वाज दलील क्या है वो आगे जाके हम बताएंगे कि यानी अल्लाह की किताब जो नाजुल हुई है उसको वाज दलील कहा जा रहा है तो सबसे पहली बात यह कि आप देखें कि मुशरकिन की बात की जाए या अहिल किताब की दोनों जो थे वो अपनी अपनी कैपेसिटी में इस दीन के मैसेज को जुटला रहे थे और अभी ये जो सूर नाजिल हुई है इस इस टाइम तक पूरा कुरान नाजिल नहीं हुआ था लेकिन ये कहा जा रहा है कि इन्होंने कफर इन्होंने कुफर कर दिया यानी हालांकि कुफर हम समझते हैं ना कि इंसान पूरा का पूरा कुरान आएगा तो उसका कुफर करेगा नहीं ये तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्होंने कुफर कर दिया हुआ है कि इन्होंने नबी को मानने से इनकार कर दिया इनके पास जबाज दलील आई और सईद सफिया जो है रज राना जो हमारी मोमिनीन में से हैं वो पहले जुएश हुआ करती थी उनके जो वालिद थे वो बड़े जुश लीडर होते थे यहूदियों के तो वो कहती हैं कि जब नबी करीम मदीना तशरीफ लाए तो मेरे वालिद और मेरे चाचा जो है वो उनको मिलने के लिए गए ये प्रूफ ये चेक करने के लिए कि वाकई में ये अल्लाह का नबी है या नहीं और जब वापस आए तो इन्होंने अब मैं उसकी समराई मतलब समरी बयान कर रहा हूँ उन्होंने कहा जब वापस आए तो इन्होंने आपस में बात की और कहा कि खुदा की कसम ये अल्लाह का नबी था तो फिर क्या फिर हम क्या करें उन्होंने कहा कर फिर खुदा की कसम हम इसकी मुखालफत ही करेंगे क्योंकि ये हमारे में से पैदा क्यों नहीं हुआ यानी असल में जो यहूदियों का मदीना में सेटल होना जो था वो हुआ इसलिए था कि उनको पता था उनकी बुक्स में ये था कि जो नबी आएगा अगला नबी जो आ रहा है वो मदीना से आएगा और इसीलिए यहूदी जो है वो जरूसलम छोड़ के मदीना में आके सेटल हो गया कि अगर नबी ने मदीना से आना है तो हो सकता है हमारी औलाद में से पैदा हो जाए तो कितने बड़े शर्फ की बात होगी कि हमारी औलाद में से एक अल्लाह का नबी पैदा हो गया जो कि आखिरी नबी था और दूसरी तरफ मुशरकन जो थे उनको भी यही टेंशन थी कि ये किताब जो है ये नोबल किताब जो है क्योंकि अबू जहल भी जानता था कि असल में ये किताब हक है लेकिन तकदीब करता था जुटला देता था तो उनको ये टेंशन थी कि ये हमारे में क्यों नहीं किताब नाजिल हुई किताब के ऊपर शक नहीं था किताब उनको पता था ये बहुत बड़ा मौजा है हाजा शय नजीब कहते थे कि बड़ी अजीब चीज है लेकिन उनको यह था कि ये हमारे पास नाजिल होती तो हमारी प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ जाती सो दोनों ने जुटलाया लेकिन जुटलाने की वजह जो है वो बिल्कुल फर्क है तो अल्लाह यहां ते दो ग्रुप्स का जिक्र कर रहे हैं मुशरकिन और अहले किताब और फिर साथ कहा मुनफकीन मुनफकीन जो कि डिस्कनेक्ट होने वाले या बाज ना आते जब तक के अल्बैना नहीं आया तो ये अपने कुफर से और अपने शिरक से और अपनी नाफरमानियों से बाज आने की बात हो रही है ये वही लोग हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी और दीगर अंबिया से अबैया मांगा करते थे लोग कहते थे भाई हमें कोई इवाजत दलील ला दो अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बात मान लें तो कोई प्रूफ दिखाओ जैसे कि साल सलाम को लोगों ने कहा कि हमें उठनी दिखाओ पत्थर को ऊँटनी बनाओ फकाल रसूल नाक़तिया वो हमने पढ़ा था भी कुछ आ, कुछ सूरतों पहले तो उन्होंने ये दलील मांगी फिर इसी तरह से मूसा सलाम के बारे में हमें पता है ईसा सलाम के बारे में पता है जितने भी अंबिया आते रहे उनके लोग जो थे ना वो कहते थे हमें वाज दलील दोगे तो मानेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दलील दी गई वो असल में कुरान मजीद थी तो आगे उसके बारे में आएगा तो वो दलील आने के बाद भी यानी होना तो ये चाहिए था कि जब ये दलील आ जाती तो उनमें से अक्सर ने इस्लाम कबूल भी किया बहुत सारे हमारे जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप नबी करीम के दौर की बात करें तो सहाबा जो है वही लोग थे जो कि उन्हीं के इर्द गिर्द थे लेकिन अलहमद इन्होंने इस्लाम कबूल किया उन्होंने नबी की मैसेज के ऊपर लबैक कहा और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अलहमद वो दीन में दाखिल हुए और उन्होंने ये फैसला किया कि हाँ हम अल्लाह ताला की बात को मानते हैं हम सबमिट करते हैं इसके आगे लेकिन कई ऐसे हैं जो प्रूफ आने के बावजूद अपने मौकफ पे डटे रहे और वहां से हिले नहीं तो अब ये अलबैया क्या है ये ऐसा प्रूफ है कि जिसके साथ आर्ग्यू नहीं किया जा सकता अलबैया को अगर हम बयान करें तो वो ऐसा प्रूफ होता है कि जिसके खिलाफ फिर आप आर्ग्यू नहीं कर सकते अब आप इतनी वाजे दलील है इतनी वाजे है कि उसके खिलाफ करना तो मतलब मुंह पे मुकरने वाली बात है ना इसको मैं कॉन्टेप्रेरी टर्म्स में यूं कहूंगा कि एक बंदा है आपका एक स्टोर है फॉर एग्जाम्पल आपका एक बिजनेस है और उस स्टोर में आपको लगा कि किसी बंदे ने चोरी की है ठीक है एक चीज चोरी हुई है आपने उससे पूछा वो इनकार कर रहा है मैंने चोरी नहीं की आपने कहा एक्शन रुको मेरे पास सीसीटीवी कैमरे जो है ना वो पांच जगह पे लगे हुए हैं आपने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकाली पांचों कैमरास में नजर आ रहा है रहे चोरी करके में डाली है इसको अब वो कोई भी बंदा रिफ्यूट नहीं कर सकता क्योंकि ये तो वाजे दलील हो गई यानी गईबल एविडेंस है ये इिफ्यूटेबल है कि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है हर एंगल से नजर आ रहा है कि तुमने चोरी की है और फिर भी तुम तो मुकर रहे हो तो ये जो मतलब ये भी मिसाल मैं बता रहा हूं कम कम है ये भी मिसाल काम है बताबैना जो है ना इतनी वाजह है कि सुबह सादक की तरह रोशन दलील और क्या मुशरकिन को पता नहीं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हक लेकर आए क्या आ, जो आपके अहले किताब थे मदीना में जब जाके मिले उनको पता नहीं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बात कर रहे हैं क्या उनकी किताबों में नबी का जिक्र मौजूद नहीं था क्या सलमान अल फारसी जब ऑलिया से आए आपने नबी करीम की तीन निशानियां आपके पीछे होगा आपको अगर कोई बंदा सदका देगा आप नहीं लेंगे आपको जो है वो गिफ्ट दिया जाएगा आप ले लेंगे ये सारी बातें उनकी किताबों में लिखी हुई थी ये भी लिखा हुआ था कि वो यसरेप के इलाके में ये जो इलाका है सैन ड्यून वाला जहां पे खजूर के दरख्त पाए जाते हैं यहां मिलेंगे ये सारी बातें इनको पताती हैं और अल्लाह ताले मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि ये आपको इससे ज्यादा पहचानते हैं जिस तरह अपने बच्चों को पहचानते हैं यानी अपने बच्चे को जो इंसान पहचानता ही है ना तो उससे ज्यादा ये पहचानते हैं कि आप हक लेके आए हैं और, और आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं लेकिन इनके अंदर का एक मसला है कि जो इनको कुफर करने पर मजबूर कर रहा है कुफर करने पर मजबूर कर रहा है देखिए अपने बच्चे को कौन नहीं पहचानता आप इमेजिन करें एक स्कूल है ठीक है स्कूल के बाहर छुट्टी हुई है अब माँ बाप बच्चों को पिक करने के लिए आए बच्चे जो है वो बाहर निकल रहे हैं अब कोई माँ बाप में से सपोज एक माँ है क्या वो हर बच्चे को चेक करती है ये तो मेरा बेटा ये ये भी नहीं है ये दिखाओ नहीं ये भी नहीं है तुम अपना मुंह दिखाओ बेटा नहीं तुम भी नहीं हो तुम नहीं तुम भी नहीं हो माँ गेट से निकलते बच्चे को बचाना ये मेरा बच्चा आ रहा है सौ मीटर के फासले पे खड़ी होकर देखेगी हटो वो मेरा बच्चा आ रहा है सब कुछ छोड़ दो वो नजर आ रहा है मुझे

अपने पुराने तरीकों को छोड़ता है ना अपने पुराने तरीकों को छोड़ के दीन की तरफ आता है सीधे रस्ते पे आता है तो वो एक आसान प्रोसेस नहीं होता उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जिसको हम लोग ग्रुप साइकोलॉजी कहते हैं ये इस पर बड़ी स्टडी हुई भी है बहरहाल कि ग्रुप साइकोलॉजी के अंदर जिसको मार्केटिंग कंपनीज यूज करती हैं आपके खिलाफ इस्तेमाल करती हैं ग्रुप साइकोलॉजी से निकलना कितना मुश्किल होता है बिकॉज ग्रुप साइकोलॉजी के अंदर आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस की एबिलिटी है ना वो कॉम्प्रोमाइज होती है इसके बारे में फ्रॉयड भी बहुत लिख चुका है फ्रॉयड का जो आ, नेफ्यू था एडवर्ड बेस वो भी इसके बारे में बहुत लिख चुका है कि ग्रुप साइकोलॉजी ग्रुप थिंक क्या होती है हर्ड मेंटालिटी क्या होती है कि जब लोग एक ग्रुप के साथ एसोसिएट करते हैं तो वो फिर अपनी ना रैशनल फैकल्टीज भी बंद कर देते हैं और फिर बस उनको भी नहीं पता वो क्यों इस ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं यानी एक टाइम ऐसा आता है कि आपको भी नहीं आइडिया होता कि मैं ग्रुप क्यों फॉलो कर रहा हूं आपको वाजे दलील मिल रही है लेकिन आप कहते हो नहीं मैं ग्रुप के साथ ही अजीब बात है अजीब बात है इसीलिए हमें इस्लाम में ना बार बार ये कहा गया कि अपनी सोबत को अच्छा करें तो यहां पे जो कहा गया लम यकुन लजी कफ़र किताबी वालमशर तो मतलब पता ये चला कि जूज और क्रिश्चन भी कुफर कर रहे थे आज कई लोग ऐसे हैं जो बड़े फलसफा झाड़ते हैं कि नहीं असल में ना जो जूज और क्रिश्चन हैं ये काफिर नहीं है ये अहले किताब है अहले किताब तो है वो लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं लम यकुन लजीना कफर जिन्होंने कुफर किया किसने अहलिताबी वालमुशीना अहले किताब ने और मशरकिन ने तो ये कह कहना है कि नहीं उनको अहले किताब के उनको काफिर ना अल्लाह ताला खुद काफिर कह रहा है तो आप की बात मानू या अल्लाह की बात कुरान मजीद में तो ये जो यहूदी थे ये तो अरबों को बल्कि चैलेंज करते थे वो कहते थे कि हमारा नबी जो है ना वो इधर आएगा मदीना में और जब हमारा नबी आएगा हम तुम्हें पकड़ के मारेंगे वो तुम्हारे खिलाफ जिहाद करेगा यानी इनको ये बातें पता थी तो ये तादाद में कम थे वीकर भी थे अरब जो थे वो बड़े जंगजू थे तो ये जूस मदीना में बैठे नबूवत से पहले ये दावे करते थे कि हमारा नबी आने वाला है ठहर जो हमारा नबी आने वाला है बस अभी उसकी निशानियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं वो बस अभी कुछ ही सालों में आता होगा और जब वो आएगा ना तो फिर वो तुम लोगों को सही जैसे कहते हैं ना फेंटी लगाएगा क्योंकि वो हक लेकर आएगा भैया ना लेकर आएगा फिर तुम्हें बताएगा वो तो जब नबी आ गए यही जोदी मुकर गए मानने से मुकर गए उन्होंने इनकार कर दिया तो क्यों किया बिकॉज ऑफ एरगन उनके अंदर तकबर था तो ये चीजें हमें पता, पता लगता है कि असल में इंसान जो है ना वो कुफर की तरफ क्यों जाता है और ये चीज के अल्लाह तक आगे फरमाया ये असल में बात है कि अलबैया क्या है अलबैया क्या है सुबह अल्लाह अलबैया वाज दलील क्या सिर्फ कुरान मजीद है कि ये कुरान है ये वाज दलील है नहीं नहीं सिर्फ कुरान नहीं है अल्लाह फरमाते हैं रसूल अल्लाह का रसूल है जो तुम्हारे ऊपर सोफा मुताहरा यह पाकिजा स्क्रिप्चर्स जो है ना उससे तुम्हें पढ़ के सुनाता है उसकी तिलावत करता है यतलू यतलुसा मुतहरा यानी नबी करीम सलम को कहा जा रहा है कि जब तक बैना नहीं आ गया क्या है आगे फरमाया रसूल मिन एक रसूल है अल्लाह की तरफ से यतलू यतलुसोफा मुतहरा जो तुम्हें रिसाइट करके सुनाता है पाकिजा शहीफे जो है तुम्हें तिलावत करके सुनाता है अल्लाह का कलाम सुनाता है तुम्हें ये दलील है अब ये जो है ना सुबहानल्ला कुरान मजीद में शासन में कुल इनकुन तुम तो हिब्न अल्लाह फत ये हबिब गुमल्ला हो या फिर अल्लाह सुबह ये नहीं कह रहे नबी को मान लो कि नबी है जूज और क्रिश्चन से और मशरक से भी यह मुताबा नहीं है कि सिर्फ नबी को मान लो कि हाँ हाँ ठीक है हम मानते हैं कि तुम्हारा नबी जो था वो सच्चा नबी था बस ठीक है थैंक यू वेरी मच खुदा हाफिस नहीं तुमने मानना भी है और उसको फॉलो भी करना है म तो हिब्बू अल्लाह क्या तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो फी नबी करीम अलैहि वसल्लम की इतबा करो उनकी पैरवी करो उनके नक्श कदम पर चलो फिर क्या होगा युहबिब गुमल्ला फिर तुमसे मोहब्बत करेगा वही फिर जुनूब और तुम्हारे गुनाओं को माफ कर देगा सो नबी करीम स्वारे स्वारे की इतबा करना हम सब पे लाजिम है ये नहीं कि जिसकी मर्जी कर ले जिसकी मर्जी ना करे नमाज आप कैसे पढ़ेंगे अपने तरीके से या नबी के तरीके से जक़ात के मसाइल आप खुद ही सॉल्व करेंगे या नबी का तरीका फॉलो करेंगे हज और उम्र कैसे करेंगे आप खुद से जो आपको दिल में आ रहा है उस तरह करेंगे या नबी का तरीका करेंगे जो भी जिक्र असकार हमें चीजें सिखाई गई हैं इबादत सिखाई गई है नफल नमाजें सिखाई गई हैं अपनी तरफ से करेंगे या नबी को फॉलो करेंगे अलैहि वसल्लम को तो हमारे लिए नबी की इतबा लाजिम है यह कोई ऑप्शनल चीज नहीं है कि जिसकी मर्जी है वो वो कर ले जिसकी मर्जी अपनी तरफ से कर ले ऐसा नहीं है ये आयत जो है ना ये बहुत बड़ी दलील है उनके खिलाफ जो कहते हैं कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है हमें रसूल की जरूरत नहीं है कि दलील जो है ना वाज दलील है ही रसूलरा आप कुरान मजीद से नबी को अलहदा कर ही नहीं सकते पहले रसूल का नाम है यानी कोई किसी को शक होता ना तो पहले नाम रसूल का, लिया सलम का। रसूल बइय क्या है वाज दलील क्या है वो रसूल है जो शईफ़े पढ़ा है आ, क्या है सिबली ये भी तो कहा जा सकता ना कि बस पाकिजा शहीफे लेकिन मसला पता क्या है सिर्फ पकीजा सहीफे जो है ना कोई बंदा भी मिस इंटरप्रेट कर सकता है कोई भी लॉ हो लॉ जो है वो इट इज बेस्ड अपॉन इंटरप्रिटेशन यस कोई भी लॉ है वो उसकी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं एक सहीफे आपके पास आ गए आपको पता है दीन इस्लाम के अंदर जितने भी फिरके हैं वो सारे के सारे दलील कहां से लेते हैं कुरान से एक मुझे फिरका बता दें पूरे धीरे इस्लाम में बड़े बड़े गुमराह फिरके भी हैं लेफ्ट राइट गए हुए हैं बड़े अजीब और गरीब आपने वीडियोस भी यूट्यूब पे देखे होंगे अजीब मतलब कोई चरसी भंगी किस्म का भी पीर बना हुआ है नाच रहा है लोगों को नचा रहा है अजीब मतलब आप कहते हो तो ये क्या हो रहा है ये किस किस्म का इस्लाम फॉलो हो रहा है बड़े बड़े मिस गाइडेड फिरके आपको नजर आएंगे बड़े बड़े मिस गाइडेड आपको लोग नजर आएंगे जो सारे के सारे अपनी दलील कहां से ले रहे हैं कुरान से ले रहे हैं कि जी अल्लाह ने यह कह दिया तो इसका मतलब ये है अच्छा इनके साथ मसला क्या है ये गुमराह क्यों हो रहे हैं क्यों गुमराह हो रहे हैं क्योंकि ये नबी को साथ नहीं ले रहे वो उनसे पूछो क्या ये जो तुम हरकत कर रहे हो क्या ये नबी ने किया कहेंगे हमें पता नहीं किया लेकिन हम खुद कर रहे हैं अच्छी चीज है बिदते कहते हैं जो उन्हीं चीजों का दीन में नहीं डाली जा रही है नबी ने नहीं की साहबा ने नहीं की ताबे ने नहीं की तबाह ने नहीं की आपने खुद से नई सरह से कोई चीज डाल दी दीन में और अब आप उसको दीन समझ रहे हैं तो जितने भी फिरके हैं जो भी सीधे रस्ते से साइड लाइन हुए हैं वो सारे दलील किसको बनाते हैं कुरान को ही कोई उनमें से ये नहीं कहता कुरान जो ना हम कुरान को नहीं मानते कुरान को सारे ही मानते हैं मसला क्या है बजाय के नबी की इंटरप्रिटेशन को लेने के वो अपनी इंटरप्रिटेशन खुद कर रहे हैं और यही मामला मुनकरी ने हदीस का है। यही मामला उन लोगों का है जो हदीस को नहीं मानते वो कहते हैं जी हम कुरान को खुद इंटरप्रेट कर लेंगे हम इतने माशाल्लाह तबारक अल्लाह स्मार्ट हो गए हम इतने सोफिस्टिकेटेड और इंटेलिजेंट हैं कि हम खुद से इंटरप्रिटेशन कर लेंगे कि हमने कैसे इन आयात को देखना है भाई तुम्हें कैसे पता चला इनका, इनका असबाबो नजूल क्या था ये आयात किस कॉन्टेक्स में नाजिल हुई है हाउ डिड यू फाइंड आउट जब तक कि तुम हदीस की तरफ नहीं जाओगे कैसे पता चलेगा कि नबी के टाइम पर जब ये आयात नाजुल हुई उस टाइम पर हालात वाक़ क्या थे किस कॉन्टेक्स में यह आयत नाजिल हुई है नबी ने इसका मफहम क्या समझा साहबा ने इसे कैसे समझा हाउ यू नो दैट आप सोचे कितना बड़ा पेंडोरा बॉक्स आप खोल रहे हैं यह क्या के कि हर बंदा अपने स्टाइल से कुरान की खुद ही इंटरप्रटेशन कर ले ने पे बता दिया कर दिया कि वियाबैना जो है जो वाजे दलील और प्रूफ है वो क्या है रसूल नबी कर करीम वसल्लम को तुम कुरान से नहीं अलहदा कर सकते अल्लाह कुरान मजीद में, में बार बार इरशाद फरमाते हैं अति रसूल अतियु रसूल बार बार ये कहा गया अल्लाह ताला ताला फरमाते हैं यादी अमन

जहां पे अल्लाह ताली ने ये बात अच्छा फरमाई सो सबसे पहली बात यह कि हमारा दीन जो है ना वो जबल्ला ने बताया वह रसूल मतहरा है और अल्लाह सुभान अला ने जब ये बात की कुरान मजीद में सूरह अल हिजर सूरह नंबर पंद्रह आयत नंबर नौ में कि यकीनन हमने ही ये जिक्र नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे इन्ना नहन नज़लना निकरा व इन्ना लहूलहा

हमने आप पर नाजिल किया व अन सल्लाबा वालिकमा हमने आप पर दो चीजें नाजिल यह हैं यहां इसको कहा कि ये जिक्र हमने नाजिल किया हमें उसकी हिफाजत करेंगे यहां फरमाया वह अनु का आप पर नाजिल किया अलताबा वालिकमा अल्किताब तो चलो कुराना मजीद यह हकम् क्या है इमाम शाफी रही फरमाते हैं कि तमामा का इस पर जमा है कि ये हकमा जो है ये नबी करीम सल्ला वम की सुनत है यानी ये उम्मत है इस बात पर कि जो हिकमत नाजिल हुई है ये नबी करीम वसल्लम की सुन्नत है और इसके बारे में दीगर दलाइल दिए जा सकते हैं जिस तरह आप देखें कि कोई भी बंदा जो है जो कि हदीस को क्रिटिसाइज करता है ना कि जी नहीं हदीस ऐसे है वैसे है ये देखे ना वो आपके जाने के बाद जो है वो हुई कंपायल हुई वो देखें कोई बंदा भी अगर किसी फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो किसी डॉक्टर को किसी सर्जन को क्रिटिसाइज कर रहा है, 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 है।, है। जिंदगी में किताब पढ़ी होगी बेटा जाओ भागो यहां से ठीक है ना मैं कार्डियोलॉजिस्ट तो पिछले चालीस साल से उठो निकलो यहां से ठीक है आप मुझे बता रहे हो मुझे मेरी फील्ड सिखा रहे हो तुम तो, जिसमें इंसान को इतना टाइम एफर्ट एनर्जी लगती है मुझे तुम बता रहे हो तो एक बंदा जो एक ले पर्सन है हदीस जब तक आपने पढ़ी नहीं, आप कैसे कर रहे है? आपको पता ही नहीं है हदीस की क्या है, आपको ट्रांसमिशन चेन है, वो क्या होता है आपको पता कैसे है चलता है कि कौन सा रावी सही है कौन सा नहीं है एक हदीस की सनत कैसे डिफाइन की जाती है कैसे पता चलता है कि एक हदीस जो है वो सही है जयफ है मौधु है यानी कैसे पता चलता है ये चीजों का तो जो बंदे को पता ही नहीं है उसको अलिफ बा नहीं पता उसका वो आके कॉमेंट्री कर रहा है नहीं मेरे ख्याल से हदीस जो है ना वो यूं पहले भाई पढ़ तो लो ना सब्जेक्ट तो पढ़ लो पहले फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म करना समझ में भी आएगा चलो माशाल्लाह बंदे ने पढ़ा हुआ है और अब क्रिटिसिज्म कर रहे हैं सो द थिंग इज कि अल्लाह ताला जो है उन्होंने बड़े वाजे तौर पर बता दिया कि असल में जो हमारा दीन है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतबा और पैरवी का नाम है जिन पर कुरान नाजिल हुआ उन्होंने कुरान को एक्ट किया एक्ट करके दिखाया उस पर अमल करके दिखाया जैसे कि सईद आयशा फरमाती है कि जब उनके उनसे पूछा गया कि नबी करीम करीमली का किरदार क्या था आपने फरमाया का ना खुल खुल कुरान कि नबी करीम वसल्लम का किरदार पूरा कुरान था तो नबी ने बताया वसल्लम ने कि कुरान तो नाजिल हो गया अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है क्योंकि हम इंसान है ना हमारे पास जब तक एग्जाम्पल ना हो हम लोग तो काम नहीं करते हमें एग्जाम्पल चाहिए होती है तो अल्लाह तला ने नबी करीम वसल्लम पर कुरान नाजिल किया और उनका एक्शन बिल्कुल कुरान के कासी करता था तो पता चल गया कि ये किताब जो है ये सिर्फ कोई थोरेटिकल किताब नहीं है बल्कि इसकी प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन मिल चुकी है आपको कि इसको प्रैक्टिकली कैसे फॉलो करना है सो so ये चीजें जो है ना अलहमद हमें वाजे करती हैं कि हमारा दीन जो है ना कोई बिल्कुल ऐसा दीन नहीं है कि जो जिसका कोई वाली वारिस नहीं है हमारा दीन जो है वो बहुत थ्योरेटिकल भी बात करता है और साथ ही उसकी प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन जो है वो आपको नबी करीम वसल्लम के किरदार में नजर आती है अल्लाते हैं का ना खुद यानी फरमाते हैं कि वह इन्ना का लालू की नजीम नबी करीब का अखलाक सबसे अजीम था क्यों क्योंकि कुरान को वो फॉलो करते थे कुरान पर अमल करते थे और अल्लाह ने उनके ऊपर ये चीज वाजे करके बयान कर दी यानी कुरान का मैसेज भी उन तक आया और उसकी अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन जो है वो भी अल्लाह तुम वाजे कर दी अच्छा इसी तरह से सूरह नहल के अंदर सूरह नंबर आया नंबर फोर्टी फोर में छात्रे हैं वह अनका जिक्र लिबे नासी हमने ये आप पर नाजिल किया जो है और फरमाया कि ताकि आप लोगों को वाजे तौर पर बयान करके बता सकें ली तो भयना आप इसको वाजे कर सकें यह जो आये थे सूरह सूरह नंबर फरमा हमने आप पर यह नाजिल किया ताकि आप लोगों को एक्सप्लन कर सकें अगर आप को यहां से निकाल दें तो फिर कुरान को एक्सप्लेन कौन करेगा कोई भी बंदा आके एक्सप्लेन करना शुरू करता है, है ये है ये नबी करीम सल्लल्लाहु को कहा गया कि आप पर नाजिल इसलिए किया ताकि आप एक्सप्लेन करें क्योंकि कुरान मजीद खुद जो नाजिल हुआ है कई बातें इसकी बड़ी वाजें है, हैं बहुकमत हैं जैसा कि इमरान में आता है और कुछ बातें जो मुतशाबहत हैं तो हर बंदा अपनी मर्जी से इंटरप्रेट नहीं करेगा आप उनको इंटरप्रेट करके बताएं क्योंकि हो सकता है कहीं पर वो गलती खा जाए किसी का मफहम समझना है किसी का माने समझ में आए किसी का कॉन्टेक्ट समझ में नहीं आ रहा बात करने का तो इसलिए आप उनको वाजे करके समझाएं कुरान मजीद यानी कहा कि कुरान खुद अपने आप को समझा लेगा आप बस कम्युनिकेट करें और बस इट नहीं कहा जा रहा है अल्लाह ताला ने आगे फरमायांबर नंबर 7 में यानी जिस चीज से जो चीज नबी करीम आपको देते हैं वो ले लो जिससे मना फरमाते हैं मना हो जाओ शदीजल <Sessly> 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 और अल्लाह से डर जाओ अल्लाह ताला अपनी अजाब में बहुत सख्त है तो यहां पे कहा जा रहा है जो नबी दे रहा है वो ले लो जिससे नबी रोक रहा है रुक जाओ अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे, थे कि जिसने कुरान में सही कह दिया वो मानो और जिसमें जिसपे कुरान खामोश है वो ना मानो अल्लाह ने यहाँ कहा जो रसूल तुम्हें दे रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ले लो जिससे रसूल मना कर रहा है उसे मना हो जाओ तो बहरहाल ये सारी आयात और दीगर बेशुमार आयात है जो कि कोर्ट की जा सकती है अल्लाह तारा फरमाते हैं

तो फिर हमारे लिए रोल मॉडल कैसे हैं फिर इस आयत का मकसद क्या है मजीद में कि लकत लकुम फिर रसूल उस हसना तुम्हारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल बना के भेजा तो मैं कैसे फॉलो करूं अगर मेरे पास हदीस ही नहीं है मेरे पास सुनत नहीं है नबी करीम की कुरान मजीद में आपको अहकाम भी मिलते हैं कुरानी मजीद में आपको अंबिया के वाकत भी मिलते हैं कुरानी मजीद में आपको डिफरेंट यानी चीज़ें डिफरेंट लेवल्स पर मिलती हैं लेकिन नबी की सीरत कहाँ है नबी की सीरत कहाँ है नबी की सुनतें कहाँ हैं बहुत सारी चीजें डिटेल जो है वो आपको आदि से मुबारक में मिलेंगी यानी आपका उठना बैठना चलना फिरना एक एक अमल जो है वो रिकॉर्ड हुआ हुआ है ताकि हम उसको फॉलो कर सकें अगर हम मिसवाक इस्तेमाल करते हैं तो कुरानी मजीद में तो मिसवाक का जिक्र नहीं है वो तो नबी करीम की प्रैक्टिस है जो हम करते हैं हम लोग जितनी भी मसनून दुआएं हैं मसनून अजगार हैं वो सारे कहां से आ रहे हैं पूरी नमाज का तरीका कहाँ से आ रहा है कुरानी मजीद में तो नमाज का तरीका नहीं है हमें कहाँ से पता चल गया नबी की सुन्नत से आ रहा है हादीसी मुबारक से आ रहा है हज का पूरा तरीका कहाँ है उम्र का पूरा तरीका कहाँ है नबी करीम की सुनत से आ रहा है जिकात के पेचीदा मसाइल कहाँ हैं रोजे के पेचीदा मसाइल कहाँ हैं और इसी तरह से दर्जनों एग्जाम्पल्स दी जा सकती हैं कि वह सारे मामला आपको सूरत रसूल में मिलेंगे वसलम तो अगर वह सारा ख़ीरा आपने साइड पर करना है तो कैसे इंसान जो है वह दीन पर चल सकता है पॉसिबल ही नहीं है तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ा अहम है कि हम लोग कुरान हदीस को मजबूती से पकड़ लें क्योंकि यही अलबैना है रसूलबिनफ़ा मुतहरा सो इनशाला आगे चलते हैं जी नबी करीम को जहाँ पे कहा गया मुतहरा यानी जो पाकिजा सहीफ़े आपको कहा गया कि आप तिलावत करके सुनाते हैं आज अनफॉर्चुनेट मामला ये है कि इन पाकिजा शहीफों को बहुत यानी ऐसी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है जो उनका मकाम नहीं है इन पाकिज़ा शहीफ़ों के नीचे से दुल्हन को गुजारा जाता है बरकत के लिए इन पाकिज़ा शरीफों के ऊपर झूठी कस्में खाई जाती हैं इन पाकिजा शरीफों को चूमा जाता है और शेल्फ पर रखा जाता है लेकिन साल में शायद एक दफ़ा खोला जाता है वो भी किसी की फोतगी के ऊपर या कोई रमजान के महीने में थोड़ा सा खोल लिया चलो तो ये पाकिजा शईफ़े जो है ना ये सिर्फ कोई डेकोरेशन पीस नहीं है ये किसी के सर पे गुजारने की चीज़ नहीं है ये कहीं टांगने वाली चीज नहीं है ये पढ़ने वाली चीज है ये कुरान है कुरान का मतलब ये है जिसको इकतरा हमने पढ़ा था ना अभी कुछ देर पहले अब इसमें इकतरा कुरान है ही वो जिसको पढ़ा जाता है तो ये सहीफे जो है ये पढ़ने के लिए नाजिल हुए थे आगे फरमाए फीहा कुतुब कय और इसके अंदर इसके अंदर बड़े वाजे कवान है कुतुब की यहां तर्जुमा किताबें मैं नहीं कर रहा इसकी है क्योंकि पे ने बताया कि यहाँ पे अल्लाह तरमाते तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए यहाँ पे रोजों को कुतबा का मतलब फर्ज किया जा रहा है लॉ बनाया गया कुतिबाई अल्लाह तरमाते तुम्हारे ऊपर किताल जो है वो जो है ना तुम्हारे ऊपर लाजिम किया गया लॉ बनाया गया तो ये जो चीज़ें हैं ना ये सारी की सारी क्या है ये लॉज हैं तो यहाँ पे कहा गया फी हा कुतुब कयमा ये वाज और सीधे कवानी है अल्लाह ताला की तरफ से यानी ये जो सो सहीफे जो आए हैं सोहफा मुतहरा ये तुम्हारे साथ साथवानी लेकर आए हैं अब देखें कि यहूद नसारा में ना दो मुख्त यानी दो चीज़ें थी यहूदी लॉ को मानते थे लेकिन उसकी स्पिरिट को भूल जाते थे ईसाई जो है वो स्पिरिट ऑफ द लॉ को मानते थे लेकिन लॉ को फॉलो नहीं करते थे मसलन यहूदी जो है वो कहते थे कि अच्छा अल्लाह ने ये हुक्म कहा अच्छा वो मिसाल के तौर पर बछड़ा है ना किस रंग का हो आ, कितना बड़ा हो हल चलाता हो या ना चलाता हो बड़ा हो छोटा हो जिंदा हो मुर्दा हो फओं ढमका हो यानी सवाल की पेचीदगियां अच्छा कैसे करना है कितनी दफा करना है कब करना है क्यों करना है कैसे करना है ये डिटेल्स लेकिन यही भूल गए कि आखिर इसका मतलब क्या था करने का यानी इबादत करनी थी ऐसे ही करनी थी लेकिन असल में उसको करने की वजह क्या थी वही भूल गए कि उसका मकसद था अल्लाह का कुर्ब यानी उन, उनको जब कहा गया कि तुम लोगों ने साहबत का डे जो है सैटरडे को हफ्ते वाले दिन तुम लोगों ने मछलियां नहीं पकड़नी तो उन्होंने क्या किया कि जुमे वाले दिन जो है ना वो जाल डाल दिया और संडे को निकाल लिया कि देखो टेक्निकली तो हमने नहीं मछली पकड़ी ना टेक्निकली तो हमने नहीं मछली पकड़ी हालांकि उन्होंने क्या किया था एक ही ढूंढा था एक यानी उन्होंने कोशिश की कि हम नाउद को डॉज कर लेंगे इस तरीके से कि फ्राइडे को नेट लगा लेंगे तो टेक्निकली तो हमने नेट सैटरडे को नहीं डाले ना तो फ्राइडे को रात सारी नेट लगे रहे सैटरडे पूरा दिन नेट लगे रहेंगे संडे को हम जाके निकाल लेंगे मछलियां पकड़ लेंगे तो टेक्निकली वो सैटरडे को भी फिशिंग कर रहे थे लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो फिशिंग तो नहीं कर रहे थे लेकिन उन्होंने क्या किया वो टेक्निकलिटीज में ना जो स्पिरिट को भूल के कि असल में अल्लाह ताला का मकसद ये था कि तुम फिशिंग से ध्यान अपना उठा के ना अल्लाह ताला की इबादत में लगो ये सारे काम छोड़ो अल्लाह की इबादत करो पूरा दिन अल्लाह की इबादत करो तो ये टेक्निकालिटीज में बहुत फंसते थे कि लॉ बताओ एग्जैक्टली exactly लॉ क्या है क्रिश्चियंस जो थे वो कहते थे कि लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्पिरिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है मसलन अगर नमाज है ना तो नमाज अब ये नहीं कि मतलब फजर जो और असर मगर पेशा या हाथ ऊपर करने या फिर बांधने फिर ये करने वो छोड़ो पड़े बस एक कैफियत होती है नमाज मतलब इंसान वैसे ही अल्लाह को पुकार ले को जिक्र कर ले बस ये नमाज का कॉन्सेप्ट है वैसे ही बस अल्लाह को याद कर लिया बैठे बैठे, बैठे को जिक्र कर लिया ये नमाज होगी जी आपकी ये क्रिश्चियन फिलोसफी थी और जूस फिलोसफी क्या आती है कि यानी अगर हम नमाज की मिसाल ही लें फॉर एग्जाम्पल कि नमाज के तरीके पर इतना फोकस हो रहा है कि नमाज का खुशू ही निकल गया तो क्रिश्चियन कह रहा है कि खुशबू किसी इबादत में भी आ जाए तो वह नमाज हो जाएगी जू कह रहा है नहीं एग्जैक्टली नमाज का प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए खुशू हो ना हो इनरेलीवेंट बात है तो ये दोनों के अंदर ना जो कॉन्ट्रास्ट था वो ये था तो हमें ये कहा गया ये कहा जा रहा है कि जो सहीफे नाजल होबनक बड़े वाजे कवानीन है आगे फरमायाफर रजीना और ये जो अहले किताब है ये कभी आपस में यानी फिरकों में ना बटते ये आपस में तफरीक ना होती इनकी जब तक के इनके पास बयना नहीं आ गया वमा तफर रकल लजीना ऊतुल किताबा अदिमा जाबय यानी ये जो ये भी आपस में इख्तलाफ ना करते जब तक कि ये आ, सहीफे नहीं आ गए जब तक कि ये अलबैया नहीं आ गया देखिए सोसाइटी के अंदर ना अगर आप इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो चार किस्म के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं लोगों के या ग्रोहों के एक वो लोग हैं जो अंदर से बहुत अच्छे हैं अंदर से बहुत अच्छे हैं दिल के अच्छे हैं और बाहर से भी बहुत अच्छे हैं अच्छे काम करते हैं ये पहली कैटेगरी है कुछ लोग हैं अंदर से बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़े से आउटसाइड थोड़े रफ हैं आउटसाइड में थोड़े से हार्श कभी हो जाते हैं या कोई उनके एक्शन होते हैं जो कि यानी हमें समझ नहीं आ रहे थे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं थर्ड कैटेगरी वो लोग हैं जो अंदर से बुरे हैं बाहर से अच्छे हैं अंदर से बहुत ही कोई एक खबीज किस्म का इंसान है लेकिन बाहर से बड़ी अच्छी हरकतें कर रहे हैं बड़ा जी जी करके मिल रहा है है अंदर से दो नंबर है और फिर एक वो है जो अंदर से भी खराब है और बाहर से भी खराब है चार कैटेगरी है ना तो अगर इनकी मिसालें हम देखें तो जो अंदर से भी खराब है और बाहर से भी खराब है उसकी मिसाल आपको मिलेगी अबू लहाब में अब अबू लहाब अंदर से भी खराब था और बाहर से का रवैया भी मतलब इवन मुशरक में भी लहाब कोई मतलब बड़ा वो शॉर्ट आफ्टर बंदा नहीं था कि बता बड़ा रिस्पेक्टेबल है ऐसा नहीं था हालांकि नबी करीम का चजा था लेकिन फिर भी उसकी वो प्रेजेंस नहीं थी जो कि अबू जहल की थी अबू जहल अंदर से तो ठीक नहीं था लेकिन बाहर से कम अज कम अच्छा था बाहर से हाजियों का ख्याल रखता था बड़ा एक अपने आप को नॉलेजेबल प्रेजेंट करता था लोग उसकी इस वजह से रिस्पेक्ट भी करते थे यानी उसका एक मकाम और मरतबा था इसीलिए नबी करीम ने दुआ की कि अल्लाह मुझे उमर या अमर में से अमर बिन शाम जो है अबू जहल जो है उसमें से या उमर बेखताब में से कोई भी एक दीन की खिदमत लिए दे दे तो अब ये जो है ना यानी एक है अबू लहाब वाली कैटेगरी जो कि अंदर बाहर दोनों से बुरा है अबू जहल जो अंदर से बुरा है बाहर से अच्छा बन रहा है और फिर जो फिर तीसरी कैटेगरी जो है वो वो है जो कि उमर अल खताब की होती थी इस्लाम से इस्लाम लाने से पहले यानी अंदर से वो अच्छे थे लेकिन बाहर से ना वो बहुत रफ थे लोगों के साथ और उन्होंने जाके अपनी बहन को जाके पकड़ लिया उनको जाके जो है ना वो उनको पकड़ के उनको जो है ना वो मतलब मारा भी उनको सर पे हिट किया उनके यहां से ना खून निकल आया और उन्होंने उन्हें कहा कि ये कौन है जिसको तुम फॉलो कर रही हो और फिर उन्होंने इरादा किया कि वो नबी करीम को जाके एग्जीक्यूट कर देंगे लेकिन फिर वहां जब पहुंचे तो इस्लाम को बोल कर लिया उससे पहले बल्कि इस्लाम को बोल कर चुके थे तो कहने का मकसद ये था कि अंदर से लेकिन वो अच्छे थे अंदर से उनके ना एक अपनी फितरत पर वो कायम थे और फिर अबू बकर सिद्दीक जैसे हैं जो अंदर से भी और बाहर से भी दोनों एतबार से भी अच्छे थे और जैसे ही नबी की दावत उन तक पहुंची फौरन उन्होंने कबूल कर ली मतलब एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया उन्होंने एक सेकंड भी हिचकिचाहट भी नहीं आई कि क्योंकि उनको पता था कि ये वाकई में जो बात कह रहे सही कह रहे हैं तो होता क्या है ना अल्लाह ताला जब इनके बीच में जब अलबैया ना आ जाता है ना तो जो लोग अंदर से अच्छे होते हैं ना वो एक ग्रुप बन जाते हैं जो अंदर से बुरे होते हैं वो एक ग्रुप बन जाते हैं ये उनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होता है क्योंकि जो अंदर से अच्छा होता है वो इवेंचुअली बाहर से भी अच्छा हो जाता है जो कि हमने देखा उमर उम्रताब अंदर से अच्छे थे ना तो जब कुरान का नूर उन तक पहुंचा तो अलहमदुल्ला क्या जबरदस्त चेंज वो माशरे में लेके आए अपने अंदर भी क्या अमेजिंग चेंज लेकर आए और क्या ही चेंज वो माशरे में लेके आए क्योंकि अगर इंसान अंदर से अच्छा हो ना तो उससे खैर की तो की जा सकती है अंदर से ही खबीस हो तो फिर क्या खैर की, की? यानी आप देखें कि बड़े ऐसे लोग होते हैं मैं खुद मेरा खुद पाला पड़ता रहा है बड़े बड़े ऐसे लोग होते हैं जो सेलिब्रिटीज होते हैं जो डिफरेंट फील्ड में होते हैं और हो सकता है कि कोई आम आदमी अगर उनको देखे वो के ये कहाँ से मुसलमान होगा अच्छा ये कहाँ से ओ ये तो देखो ना ये तो फला आदमी है फनकार है फनकारा है ये है वो है नहीं नहीं यार ये तो दूर दूर तक इस्लाम का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं लगता इनकी लाइफ से आपको उसके अंदर क्या हाल का बिल्कुल नहीं है आपको नहीं पता उसके अंदर क्या एक क्या बर्पा हुई हुई है आपको नहीं पता वो अंदर से क्या चीज है आपको नहीं पता वो अंदर से कितनी मोहब्बत करता है अल्लाह ताला से आपको नहीं पता उसके अंदर से अल्लाह ताला से क्या रिलेशनशिप है बस थोड़ा सा उसके ऊपर जिस तरह एक पौधे पे पानी डलता है ना उसके ऊपर थोड़ा सा कुरान का नूर आएगा ना तो अलहमदुल्ला वो बहुत खूबसूरत पौधे की तरह खिल उठेगा यकीन कीजिए अक्सर मैंने देखा है कि चाहे मीडिया इंडस्ट्री में हो या आगे पीछे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में लोग जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं बड़े बड़े हम उनको जज करते हैं पता है हमारी गलती है ये कि हम उनको जज कर देते हैं बहुत जल्दी जजमेंट सुना देते हैं कि ये ऐसा वैसा अल्लाह से डरना चाहिए हो सकता है क़यामत के दिन वो जो है ना वो जनतियों के जो ना जनतियों के सफ में खड़ा और हम जो है वो अल्लाह माफ करे किसी और साफ में लगे हो तो कभी भी इंसान के अंदर तकबर गो नहीं होना चाहिए बस इमेजन ये कहना चाहिए कि इंशाला अल्लाह तब को हिदायत दे हमारा काम है उनकी उस दावत के रस्ते को फैसिलिटेट करना खैर की बात उन तक पहुंचाना अच्छे अंदाज में उनको मुतनफ़र नहीं करना हाँ जो वाजह तौर पर इस्लाम इस दुश्मन बना हुआ है इस वाज तौर पर इस्लाम को बैश कर रहा है अल्लाह रसूल का मजाक उड़ा रहा है उसके मामले में हम यही कहते कि नहीं नहीं उसको भी आप कोई बात नहीं जाने दो नहीं उसके लिए हम ये नहीं कहते लेकिन जो एक इंसान जनरली आपको नजर आता है स्ट्रगल कर रहा है तो अल्लमद्ला उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको उसके लिए आसानी का मामला करे सो फरमाते हैं किताब तो ये जो बड़ा अहम नुक्ता है वो ये है कि ये जो पहले किताब है इनमें भी तो फर्क नहीं हो देखें काबा में ना 360 साठ बुत पड़े होते थे 360 सौ साठ बुत इतने ज्यादा डायवर्सिटी है प्लूरलिज्म हर कोई हर किसी को बर्दाश्त कर रहा है सारे ही सेट हैं यार तुम इसको पुकारते हो वो भी सही है तुम उसको पुकारते हो वो भी सही है तुम फलां की बात करते हो वो भी सही है तुम जो है नहीं किसी की करते तुम भी सही हो यानी एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बनी हुई है जहां पे वो कहते हैं ना अपना अकीदा छोड़ो नहीं दूसरे का छेड़ो नहीं ये फलसफा मार्केट में आम है अपना छोड़ो नहीं दूसरे का छेड़ो नहीं और क्या सारे आराम से रह रहे हैं अल्लाह तरमा रहे ना यहां पर किताबाला जाबय और ये अलग किताब में भी तफरक नहीं करना था जब तक ये भैया नहीं आ गया तो सारे जो है वो तीन सौ साठ बुतों को पूज रहे हैं बड़े आराम से सुकून से रह रहे हैं लेकिन जैसे ही अल्बय आया ना तो उसने क्या किया फर्क कर दिया यानी इस्लाम जो है ना ये बात बड़े गौर से सुनिएगा इस्लाम यह नहीं कहता जो जहाँ लगाए ठीक लगाए इस्लाम आया ही लोगों के अकीदों को छेड़ने के लिए था कुरान मजीद इस मामले में बहुत दो टोक अल्फाज में बात करता है कुल या फिर सुन लो मैं तुम्हारी तु, उन खुदाओं की कभी इबादत नहीं करूंगा जिनकी तुम करते हो और मुझे पता तुमने नहीं करनी जिनकी मैं करता हूं अल्लाह तला फरमाते कुरान मजीद में कि अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देगा शिर को माफ नहीं करेगा यह नहीं कहा जो जिधर लगा ठीक लगा है जो जिसकी इबादत करे सब सही है नहीं इस्लाम आया ही इसलिए था बताने के लिए वाजे करने के लिए कि ये सारी दुकानें बंद करो ये सारी दुकानें बंद करो ये जो दो नंबर काम करे ना कोई इसको पूज रहा है उसको पूज रहा है ला ला अब्दु सिर्फ अल्लाह तला की इबादत होगी ये सारे गैर गैरुल्ला है कोई किसी के पास कोई एक राय बराबर इख्तियार नहीं है किसी के पास इनको तुम इबादत करते हो इनको तुमने फला समझा हुआ है किसी को तुम इबादत कर रहे हो कि जी ये हमारा ट्रेवल का खुदा और है और रिस्क देने वाला और है और बच्चे देने वाला और है ये क्या तुम लोगों ने ड्रामा लगाया हुआ है वाजह तौर पर अल्लाह तला ने आयात नाजिल की कुरान मजीद आ गया अलबैया आ गया और उसने फर्क क्रिएट कर दिया वमा किताब ये भीएना आया तो फर्क क्रिएट हुआ इनके अंदर आके तो आज भी हमारा कुरान की जो मिशन है कुरान की जो दावत है ना वो बड़ी दो टोक है तो इसमें यह बात बड़ी अहम है कि एक मुसलमान जो दाई जो दीन का दाई होता है जो दीन की बात लोगों तक पहुंचाता है उसको चाहिए कि वो अपने मौकफ में पक्का रहे लेकिन अपने अंदाज में नरम हो, हो अंदाज आपका नरम हो प्यार से मोहब्बत से हिकमत से विजडम से जैसे भी हो अच्छी एग्जाम्पल्स दे के स्टोरी सुना के जिस तरह भी हो अच्छे अंदाज में लोगों तक बात पहुंचाई जाए ऐसे अंदाज में कि अगलों को समझ आ जाए अगलों के दिलों में बात उतर जाए पूरी कोशिश की जाए कि जिस तरह मैं कर सकता हूं एक बड़े अच्छे अंदाज में दूसरों तक बात पहुंचाऊं मानना ना मानना ये उनका मसला है। मेरा काम है मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं जी जो दो को भी पुकार रहा है वो भी ठीक कर रहा है जो तीन को पूछ रहा है वो भी ठीक कर रहा है मैं ये कह नहीं सकता मुझे दीन के जो अहकाम दिए गए हैं जो दीन की बुनियादें हैं जो दिन की बेसिक्स है वो बड़ी बाजें जो फ्रूही अख्तलाफा हैं वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सारे मानते हैं कि वो वैलिड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है लेकिन बेसिक बिलीफ के अंदर basic acts of worship के अंदर डिफरेंस नहीं है वो बड़ा क्लियर है और दो टोक है उसके मामले में कोई बंदा जिस तरह सही अब बकरी के दौर में ना एक ग्रोह खड़ा हो गया उन्होंने कहा हम जकत नहीं देते हम जकत नहीं देते ना हम हम कलमा पढ़ते हैं ला इला 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 पढ़ने वाले हैं। हम नमाज पढ़ते हैं पांच वक्त की हम रोजे भी रखेंगे रमजान के ठीक है हज भी करेंगे हर मतलब जो ना जिंदगी में एक दफा लेकिन जिकात नहीं देंगे आपको क्या लगता है कि अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया होगा कि ठीक है कोई बात नहीं चलो ही है ना चलो खैर है कोई बात नहीं ना अबू बकर सिद्दीक ने इनके खिलाफ जिहाद किया जो ये कहता है कि हम जिकात नहीं देते आपने कहा मेरे टाइम में मैं ये नहीं नॉट अंडर माई वॉच कि इस्लाम का एक पिलर ही निकल जाए पूरा इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है सॉरी कोई और इख्तलाफ होता फुरूही किस्म का उस पर बात हो सकती है लेकिन ये बुनियादों में इख्तलाफ नहीं होने दूंगा मैं सवाल ही नहीं होता तो असल में जो है ना कुरान मजीद जब आया है तो बड़े अल्फाज में उसने फर्क कर दिया लोगों के बीच में कुफर और ईमान में फर्क कर दिया तोहद और शेख में फर्क कर दिया अच्छे और बुरे का फर्क कर दिया ये सारी बातें जो है ना कुरान मजीद ने की हैं तो अल्हदुल्ल ये इसकी दावत है अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे वमा उमिरू इल्ला लहुद्दीन अबीन वहीमला वही तो वजालमा अदर फमाते हैं और उनको कोई हुक्म नहीं दिया था सिवाय इसके कि वो अल्लाह तबादत करते अबीनफा अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिश करते वहीमला वही तो वजालय और नमाज कायम करते जिकात देते और यही उनका दीन था अब ये देखिए सुबह इस एक आयत में ना अल्लाह तीन की समरी बयान कर दियातें वमा उमे उनको कोई हुक्म नहीं दिया गया था सिवाय इसके यानी इनको जो मुशरकन है जो अहले किताब है इनको कोई हुक्म नहीं दिया गया था सिवाय इसके कि इल्ला लिया लिए सिवाय इसके कि वो अल्लाह ताला की बंदगी करें सिर्फ इबादत नहीं बल्कि बंदगी इंग्लिश में ना इसको ट्रांसलेट करके दो वर्ड्स निकलते हैं एक निकलता है वर्शिप एक निकलता है स्लेवरी तो इंग्लिश में ये दोनों फर्क हैं मतलब वर्शिपर एक और चीज होता है वर्शिप कर रहा है आप अगर गूगल पे टाइप करें वर्शिप

ये जो बंदगी है ना ये एक एक्ट नहीं होता ये एक आ, कैफियत का नाम है मैं सुबह से शाम 24 फोर आवर अल्लाह का बंदा हूं मैं सो रहा हूं मैं उस कैफियत में हूं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं मैं उठा हुआ हूं मैं उसी कैफियत में हूं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं मैं तब भी वो काम नहीं कर सकता जो मुझ पर हराम है तो हमें यह कहा गया कि अल्लाह की बंदगी करो और ये जो बंदगी है ना ये एक वे ऑफ लाइफ है याद रखें मुसलमान में और किसी भी गैर मुस्लिम में फर्क ही है मुसलमान अपने आप को पाबंद समझता है अल्लाह ताला के कवानीन का वो कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं जो अल्लाह का हुक्म होगा सर आंखों पर जो अल्लाह का हुक्म होगा जो वर्षिपर है ना वो तो सिर्फ उस वक्त वर्षिपर होता है जब वो वर्शिप कर रहा होता है अब एक क्रिश्चियन है वो चर्च गया हुआ है वर्षिपर है क्रिश्चियन चर्च गया हुआ है दुआ कर रहा है वर्शिप कर रहा है चर्च से बाहर आया अब वो वर्षिपर नहीं है अब वो फुटबॉल खेल रहा है अब वो जो है ना बेसबॉल खेल रहा है वो वर्षिपर नहीं है लेकिन मुसलमान जो है जब वो नमाज पढ़ रहा होता है वो तब भी वर्षिप पर होता है तब भी अल्लाह का बंदा होता है जब वो सलाम फेर के किसी काम पे जाता है तब भी वो अल्लाह का बंदा होता है तब भी वो एक स्टेट ऑफ वर्शिप में होता है क्योंकि उसका हर अमल जो है वो अल्लाह ताला की शरीयत के मुताबिक होता है वो चौबीस घंटे में अजर कमा रहा होता है कि वो इबादत कर रहा है अल्लाह ताला की बंदगी कर रहा है अल्लाह ताला फरमाया वल इल्ला कि मैंने जिन्हों को और इंसानों को किसी मकसद के लिए पैदा ही नहीं किया सिवाय इसके कि वो अल्लाह सुबह तला की बंदगी करें अल्लाह की बंदगी सिर्फ बंदगी के लिए पैदा किया अब ये बंदगी क्या है ट्वेंटी फोर आवर का सिस्टम है और ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है हम अल्लाह की बंदगी करते हैं ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जो वेस्टर्न स्लेवरी का है कि स्लेव जो है ना वो आ, मास्टर से नफरत करता है मास्टर जो है वो स्लेव से नफरत करता है दोनों एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं जो मास्टर होता है वो स्लेव को मारता है पीटता है ये मामला नहीं हमारा हमारी तो स्लेवरी का आगाज ही होता है अलहमद लाबीआलम तमाम तारीफें तमाम शुक्र और जदाद का जो ना सिर्फ मेरा रब है बल्कि सबका रब है वो रहमान और रहीम रब है, जो मुझे मेरी माँ से भी ज्यादा पसंद करता है इतना मेहरबान रब है और जो कुछ आज मेरे पास है वो उसका दिया हुआ है सब कुछ उसकी तरफ से मेरे पास जो रिस्क आता है वो उसकी तरफ से है मेरा जीना मरना उसके लिए है सब कुछ उसकी तरफ से तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना बंदगी का वो बड़ा है अल्लाह फरमाते हैं वाहिया अब उनको कोई नहीं दिया गया था सिवाय से कि वो अल्लाह तला की बंदगी करते ये यहूद को नसारा को क्या कहा था यही कहा था ना अल्लाह की बंदगी करो मुखल दीनफा अपने दीन को अल्लाह के लिए खारिज करो रियाकारी मत लेके आना इबादत गैर उल्लाह के लिए ना करना ऊपर से तुम इबादत दिखा रहे हो अल्लाह के लिए लेकिन अंदर से तुम लोगों को दिखावे के लिए कर रहे हो शो आफ के लिए कर रहे हो यह ना करना फा अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिश कर दो इसमें किसी और को शरीक ना करना किस दारदार नीयत पर है नबी करीमलम की हदीस है ना तो आपकी जो नीयत है वो खालि अल्लाह के लिए होनी चाहिए बंदगी भी करनी है और खालिश अल्लाह के लिए करनी है वह युकीम सलाह व यू तो बस ये दीन था और तुमसे ये भी नहीं हुआ मतलब तुम्हें क्या कहा था केटू का पहाड़ चढ़ जाओ अल्लाह ने क्या हुक्म दिया था क्या हुक्म दिया था यह कहा था कि बिल्डिंग से छलांग मार के मर जाओ यानी क्या हुक्म दिया था वमा इल्ला उमेरिया क्या कहा था सिवाय ताला की बंदगी करो अल्लाह के लिए अपने दीद को खालिस करो वह यकीम वजह दिन यही तुम्हारा दीन था तुमसे यह भी नहीं हुआ इतने अल्लाह ने तुझे फेवर्स दिए इतने फेवर्स दिए उन फेवर्स के बाद इतनी सी चीज मांगी और तुझसे वो भी नहीं हुई उल्टा तू तकबर में आके अल्लाह के नबियों को चुटला रहा है अल्लाह की किताब को जुटला रहे वाज दलील तेरे पास आ रही है, है आसमान से कुरान मजीद की शक्ल में नबी करीम उसको पढ़ के सुना रहे हैं अबू जहल छुप छुप के कुरान सुनता था उसको पता था ये, ये किताब हक है लेकिन फिर भी तेरे अंदर की खबासत इतनी ज्यादा है कि तुझको फॉलो नहीं कर रहा तो यह बड़ी यानी सुबह अल्लाह तला जो है ना ये इनको पकड़ रहे हैं इस बात पर कि किस तरह से इंसान जो है वो वाजह चीज आने के बावजूद जो है वो बहक जाता है और फिर जो फरमाया जा रहा है वह यकीम उसला वयतः यानी नमाज के, के लिए हुक्म दिया था जकवात का हुक्म दिया था तो याद रखें नमाज छोड़ना जो है ना ये मुसलमान का काम नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा ना उन्होंने कहा कि हमारे में और कुफार में क्या फ़र्क है आपने फरमाया तर्क उस सलाह मुसलमान में और गैर मुस्लिम में फर्क क्या है मुसलमान नमाज पढ़ता है गैर मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ता ये मैं कह रहा हूं ये मेरी बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है आपने ये नहीं कहा कि मुसलमान अल्लाह को मानता है और काफिर नहीं मानता काफिर भी हो सकता है अल्लाह को मानता हो लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता वो नबी को रसूल नहीं समझता वो अल्लाह की दीन का पाबंद नहीं समझता अपने आप को कहते ठीक है मैं अल्लाह को मानता हूं लेकिन अल्लाह की नहीं मानता तो हमारे और कुफार में फर्क क्या है नमाज जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है तो ये बेर मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस्लाम में दाखिल होने की यानी सिर्फ क्या ना मैं जी मुसलमान हूं उसकी बेर मिनिमम कोई क्राइटेरिया होगा ना कोई होंगे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन क्या आपकी नमाज है के दिन जो पहला सवाल होगा नमाज का होगा पहला सवाल अगर वो ठीक है तो बिसम आगे चलिए अगर वही गलत है यहीं से छुट्टी करा दी जाएगी तो प्लीज माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नमाज जो है ना वो कभी नहीं छोड़नी आपने रमजान में अगर पढ़ रहे हैं अलहमद रमजान से बाहर भी पढ़नी है पांच वक्त की नमाज अपने वक्त के ऊपर मुकर वक्त पर फर्ज है हमारे ऊपर और सबको करनी चाहिए वह यकीम वही तो वजालय इन तो इनशाला तो और निकामों की भी तोीक दे देता है तो यहाँ फरमाया गया था वमा इल्ला और वमा उमिरिया अबीना जक़ा वजाल अच्छा ने आगे इरशाद फरमाया यहाँ ये बात करने के बाद

जो आज जिंदा है यानी उस टाइम की बात हो जो आज जिंदा है जो मेरे पर ईमान नहीं लाता वो अहले नार में से होगा यानी यहूदारा में से आज जो जिंदा है और जो मेरे पर ईमान नहीं लाता मुझे अल्लाह का रसूल नहीं समझता वो फिर अहले जन्न में से है वो वो फिर अहले जन्नत में से नहीं हो सकता सही मुस्लिम के दीस है सो so, यहां पे कहा जा रहा है ये लोग जो है उलाय के हम शरुल बरिया यानी बर्रा ये बेसिकली होता है कि यानी बहुत ही बुरी चीज ठीक है बहुत ही बुरी चीज और ये नारे जहन्नम में होंगे बहुत ही बुरे अजाब में होंगे तो ये क्या है जी इंसान अपने आप को मेहनत भी करे लेकिन गलत रास्ते में जैसे हमने पढ़ा था ना सूरा गाशिया में हल नाशिया तसला नारन हामिया यानी एक बंदा जो है वो मेहनत करके भी आ रहा है लेकिन फिर भी जहन्नम में जा रहा है तो इंसान कभी कभार ऐसे होता है कि उसकी डायरेक्शन ही गलत थी मेहनत तो उसने बड़ी की लेकिन जहन्नम के रास्ते में मेहनत की तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये जहन्नम की आग में होंगे और वहाँ हमेशा रहेंगे आगे फरमाया इन लदीना आमनिहिहिहिहिहत उलाय का हम खैरबरिया लेकिन इसके बरक्स वो लोग जो अलबैया को मान लेते हैं इन लधीना आमन वाम साल उसको मान लेते हैं और नेक नेकमाल करते हैं उलाय का हम खैरबरिया ये बहुत अच्छे लोग हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं खैरुल बरिया सबसे अच्छे लोग हैं ये सो तआला ने यानी इन फरमाया कि ये वो लोग हैं जो कि सबसे अच्छी मखलूक है एक जिक्र हुई बरिया जो यानी यानी वो जो मखलूक पैदा की गई है बर्राह वो बरिया सबसे वर्स्ट क्रीचर्स हैं और यहाँ पे कहा जा रहा है बरिया सबसे अच्छे लोग हैं सो सु ने अल्लाह अकबर कितनी खूबसूरत बात शाहरमाई कि जो लोग ईमान लाते हैं वो लोग अल्लाह ताला के बड़े महबूब हैं सबसे अच्छे लोग वही होते हैं अंदर उनके ईमान होता है बाहर उनके अमाले सालिया होते हैं अंदर से भी अच्छे होते हैं बाहर से भी अच्छे होते हैं ये वो ग्रुप बन जाता है जब अलबैया आ गया उन्होंने उसको कबूल किया अपने आप की अंदर से इस्लाह की ईमान के ऊपर आके और बाहर से भी आमाले करके अबदा। है इनका जो है, इंदा इनकी जो जजा है वो अल्लाह के पास है कहीं नहीं जा रही अल्लाह के पास महफूज है जो भी नेक काम करते हैं अल्लाह ने संभाल के रखे हैं क्या वो होगी जजात जन्नात दिन, जन्नात में तख्त अनहार बाग़ात जिनके बीच में जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी खालिदी ये वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे वहाँ के ये पर्मां रेजिडेंट्स होंगे उसके बाद कहीं से नकल मकानी करने की जरूरत नहीं है वो आपका पर्मनंट ठिकाना है खूबसूरत तरीन ठिकाना है जितनी अयाशियाँ कर रही हैं वहाँ पे करो बस खुशियाँ ही खुशियाँ कोई गम नहीं है कोई बेचैनी बेकरारी नहीं है बस सुकून ही सुकून है रद्द और सबसे बड़ी बात रद्द अल्लाह उनसे राजी हो गया अब अल्लाह से राजी हो गए जालम खशिया रब्बा और ये ये अल्लाह उनके लिए जो अल्लाह ताला से डरने वाले थे सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अल्लाह सुभान ने इन खूबसूरत आयत में बड़े अमेजिंग तरीके से बता दिया कि वो कौन लोग हैं जो अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हैं अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल करे हमसे भी हमारी इबादत कबूल फ़रमाए हमें भी उन लोगों में हमें उन लोगों में शामिल करे जिनको जब अलबयना नजर आ गया जब उन तक ये बात पहुंच गई तो उन्होंने उस पर अमल किया खुद भी अमल किया दूसरों को भी सिखाया अल्लाह हम सब से राजी हो जाए और हम सबको जन्तुल्फ में आकाम सी फ्रमाए कल आपसे बरकत होती है सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा सुबह हम देखा अशद्ला बारीकम्स वरम